नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं द क्वेश्चन आवर भारत। ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी उस सीरीज का, जो सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद जो वीडियोज आएंगी या फिर फर्दर भविष्य में कभी भी आएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इस सीरीज का हिस्सा है। तो कैसे पता चलेगा आपको, तो इस 2 से 3 मिनट की क्लिप में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सुनिए, समझिए। आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बैठ जाइए, और जब भी वीडियो आएगी उसको देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमारे हजारों की तादाद में किन किन मंदिरों को तोड़ा गया, किन किन मंदिरों को सिर्फ ऊपरी भाग को तोड़ के उनके ऊपर गुंबद लगा दिया गया, और दीवालों पे अभी भी वो आकृतियां बनी हैं जो हमारी सभ्यता को, हमारे कल्चर को, हमारे देवी देवताओं को दर्शाती हैं। लेकिन क्लेम ये किया जाता है कि वो तो एक इस्लामिक आर्किटेक्चर है, एक अरबी आर्किटेक्चर है। उन सब बातों को आपके सामने रखेंगे, कुछ प्रूफ, फैक्ट्स, तस्वीरों के साथ बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और आपसे ये मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। और जो सबसे मेन मुद्दा है कि जो सरकारों ने, राज्य सरकारों ने बड़े बड़े मंदिरों पे और लगभग हर मंदिरों पे जो कब्जा करके रखा है, उस कब्जे को भी वो हटाए, जिस बात के लिए ऑलरेडी बड़े बड़े एक्टिविस्ट स्वामी साहब, जय साईं दीपक साहब, ये लोग लगे हुए हैं कोर्ट के द्वारा। और उनका भी यही कहना है कि हम जनता को भी जागरूक करते रहें। तो मैं उनके इस अभियान में एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। तो उस पहलू पे भी बात करेंगे कि क्यों मंदिरों को स्टेट कंट्रोल करती है, क्यों सिर्फ मंदिरों को ही करती है, क्यों सिर्फ मंदिरों का ही पैसा लेती है, और पैसा लेने से क्या नुकसान होता है, क्या मंदिरों का पैसा सरकार के द्वारा ले लिया जाना और कन्वर्जन होना, दलितों का कन्वर्जन होना क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में, फोर्सफुल कन्वर्जन, पर्सपेक्टिव का चेंज होना, एंटी हिंदू मानसिकता का बढ़ना, क्या ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक है? आप खुद विचार करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, धीरे धीरे हर वीडियो में, किसी ना किसी वीडियो में इन सब बातों को शेयर करेंगे, प्रूफ के साथ, फैक्ट्स के साथ, तस्वीरों के साथ, किसी ना किसी हर उस सही तरीके से आपके सामने वो बात रखने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है ये सीरीज़ बहुत ज़रूरी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी सभ्यता है, कल्चर है, हमारे आर्किटेक्चर्स हैं, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे एंशंट टेम्पल्स हैं, उनके बारे में बात करना, उनको रिक्लेम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है भविष्य में अगर हम लोगों ने अपनी गलतियों की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से अगर अपनी ही चीज़ों को छोड़ दिया, भूल गए, सेकुलरिज्म के चक्कर में जाने दिया, कह ले चलो जाने दो, जितने गए गए, कुछ तो हैं हमारे पास, तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे तो जिन जिन सभ्यताओं ने किया वो आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। हमने नहीं किया इसलिए आज हम 80% बचे हुए हैं। तो भविष्य में आप चाहते हैं कि आप बचे रहें तो थोड़ा सा विरोध करिए, थोड़ा सा काउंटर करना सीखिए, थोड़ा सा सवाल पूछना सीखिए। जब आप सवाल पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आगे वाला भी कुछ ना कुछ तो जवाब देगा। और अगर जवाब नहीं देता है, इग्नोर करता है, कम्युनल होने का आरोप लगाता है, आपको भक्त संघी ये सब बताता है, तो आप समझ जाइए कि आप सही हैं, वो गलत है। अभी के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी इस भविष्य में आने वाली सीरीज और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।